नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12वीं की फिजिक्स के बारे में। कल मैंने आपको विभव और विभवांतर के बारे में बताया था। अब आज का टॉपिक है बिंदु आवेश कण किसी बिंदु पर विभव। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, फिजिक्स में चित्र बना लेते हैं, ठीक है। चित्र बना लेंगे तो हमने चित्र बनाया हुआ है पहले से, तो जो हमने चित्र में बनाया वही हमने लिख दिया। लिखेंगे माना बिंदु ओ पर रेस्क्यू आवेश स्थित है। रेस्क्यू आवेश स्थित है, इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि माना बिंदु ओ से स्मॉल एक्स दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो तब कूलम्ब के नियम से तब कूलम्ब के नियम से क्या हो जाएगा, बल बराबर क्या होता है, फिजिकल टू 1/4πε0Q×Q0/x2। इसकी दिशा कहाँ है, ओ से पी की ओर है, ठीक है। भाई सूत्र क्या होता है, फिजिकल टू 1/4πε0Q1×Q2/r2। आर स्क्वायर मतलब जो डिस्टेंस था, तो आर की जगह पे एक्स लिखा, इसलिए अपन ने इसको ले लिया। अब कहता है परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया अल्पकार्य हो जाएगा dW -F×dx। अब चूंकि माइनस का लगा हुआ है, माइनस इसमें लगा हुआ है, तो माइनस क्यों लगा हुआ है, माइनस क्या दर्शाता है, ऋण चिन्ह इस बात का संकेत करता है कि विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। भाई बल कहाँ लग रहा है, बल इधर से इधर लग रहा है, विस्थापन इधर से इधर हो रहा है, इसलिए हमने क्या ले लिया, इसका निगेटिव ले लिया, ठीक है ना। अब कहता है कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। जब हम कुल निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हमें क्या करना है,
कहाँ से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी मतलब अनंत से कहाँ तक लाना है, बिंदु की मतलब यदि इससे हम दूरी देखे तो अनंत से आर तक लाना है आपको। तो माइनस बाहर हो जाएगा, एफ का मान रख दीजिए, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब Q0/x2dx, इसका आ जाएगा कैपिटल W। कांस्टेंट बाहर करिए तो Q0 कांस्टेंट बाहर करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचा, अंदर बचेगा 1/x2dx। तो हल कर लेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q0 इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो इसको पहले तो x^-2dx कर देंगे, हल करें कितना है कैपिटल W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x^-2+1 लिमिट r से इनफिनिटी, तो कैपिटल W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका आ जाएगा x^-1, इसका -1 r और इनफिनिटी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका तो बचेगा क्या, कैपिटल W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और ये जो इनवर्स में है तो क्या हो जाएगा बटे में, तो 1/x∞, तो कैपिटल W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट x के यहाँ पे रख देंगे 1/∞ का मान 0, तो कैपिटल W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/1/r। हल करिए इसको, कैपिटल W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/r। ये क्या निकल आया हमारे पास, कार्य निकल आया। अब क्या निकालेंगे, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए तो कैपिटल V बराबर होता है W/Q0, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q0/r, इसका हो जाएगा Q0 कर जाएगा, भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × Q/r, ये आपका गुड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको हल करना है बच्चों, इस प्रकार से हम हल कर लेंगे कि बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर विभव, तो पहला काम हमें चित्र बनाना है, जो हमने चित्र में लिखा है जो चित्र है वही हमको लिख देना, बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु भी है जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है, फिर माना बिंदु ओ से x दूरी पर एक बिंदु एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब कूलाम के नियम से बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो बल लगेगा, तो बल का जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/r, इसको यहाँ पे Q1 × Q2 होगा नहीं, यहाँ पे Q1 दिया हुआ क्या हो जाएगा Q1 × Q2, यहाँ पे Q0 Q × Q0/x2 ओपी दिशा में, फिर कहता परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर तो बल गुणे विस्थापन, तो बल हो जाएगा माइनस एफ जो लगाया, तो वो किसके लिए लगाया गया है आपको डीएक्स के लिए लगाया गया है, डीएक्स क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो विस्थापन हो रहा है वो बल्कि विपरीत दिशा में हो रहा है, इस कारण से माइनस लगा हुआ है। अब हम कहते हैं कि परीक्षण आवेश यहाँ पे ना होके अनंत पर है, अब अनंत से बिंदु पी तक लाना है, तो ओ से अनंत क्या हो जाएगा इन्फिनिटी और आर हो जाएगा, तो मतलब अनंत से आर तक लाना है आपको, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, इंटीग्रेशन ऑफ W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ R से इनपुट माइनस बाहर हो जाएगा, बल का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × Q0/x2, कांस्टेंट बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × Q0 बाहर हो जाएगा 1/x2dx, क्योंकि बटे में है तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए x^-2+1/-2+1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × Q0/1/x R और इन्फिनिटी अपर लिमिट 1/r − 1/∞, तो 1/∞ का मान 0 हो जाएगा, क्या बचेगा W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 × 1/r, तो क्या W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q × Q0/r। बिंदु P पर विभव सूत्र होता है W बराबर W/Q0 कट जाएगा, तो आपका वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों हमको हल करना बन जाएगा सभी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक आपको डेली बताएंगे तो निश्चित रूप से एक आध दिन में पूरा हो जाएगा, मतलब एक आध दिन का मतलब ये है कि कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।